नमस्कार, INA न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज जनपद रामपुर पहुंचे। रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी जनपद रामपुर में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में यहां पर रैली करने के लिए पहुंचे हैं। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की गाड़ी पर सवार होकर भूपेंद्र चौधरी ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के कार्यों को गिनाया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। INA के लिए जनपद रामपुर से संवाददाता कामरान अमीर की रिपोर्ट। जी, भैया रामपुर का दौरा है। विधानसभा का उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने श्री आकाश सक्सेना जी को प्रत्याशी बनाया है। हम सब लोग पूरी पार्टी जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत से हम अपने इस विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। इस तैयारी को लेकर हम जनता के बीच में हैं। रामपुर में सपा का गढ़ माना जाता है तो सपा का गढ़ तो आजमगढ़ भी सपा का ही गढ़ था। लोकसभा भी हम जीते हैं रामपुर की और कोई गढ़ अब किसी का नहीं है। सारा गढ़ देश भाजपा का है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सारी सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क जनता के बीच में है और हम अपनी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हैं और हमें विश्वास है कि हम मुझे पार्टी को रामपुर की जनता का आशीर्वाद इसने मिलेगा निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद इसने आकाश सक्सेना जी को मिलेगा। मुसलमान लगातार जुड़ रहे हैं, क्या कहें? अब भाजपा किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है जी, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हमारा संकल्प है सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। नमस्कार।